हाँ बोलिए सतगुरुदेव की। अभी आपने उषा जी के मुखारबिंद से बहुत ही अच्छी बानी सुनी। विनती के रूप में बानी थी, पहली बानी थी सुनियो दयाल हमारी अर्जी, सुनियो दयाल हमारी अर्जी, और दूसरी बानी थी तुम्हें छोड़ जाऊं कहां मेरा और ना कोई। देखिए इस दोनों ही वाणी के माध्यम से जो वाणी पेश की गई है उसमें परिवार के ऊपर इन्होंने अपने वाणी प्रकट की है कि हे सद्गुरुदेव, आपका इस दुनिया में इस संसार में मेरा ना कोई मात पिता है, ना कोई कुटुंब परिवार है, आपके सिवा मुझे इस संसार से कोई नहीं भवसागर से पार उतार सकता। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। धर्मदास जी की वाणी थी बाद की,
रविदास महाराज जी कहते हैं यहां पे कि माया के भ्रम भूलियो जाएगो कर झारी, माया के भ्रम भूलियो जाएगो कर झारी, यहां तेरा कोई नहीं सगा सुत और नारी। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संसार में ये सब स्वार्थ का खेल है, इस संसार में तेरा कोई नहीं है, तू इकलाया है और इकलाई जाना है। तो अब आपके सामने श्री राजेश जी, उनको आमंत्रित करता हूं।